नमस्कार, आईसीबी 24 न्यूज़ में आपनु स्वागत छे। सशस्त्र सेना ध्वज दिन प्रति वर्ष 7 डिसेम्बर ना रोज उजवामां आवे छे, तेज रीते आ वर्षे पण वडोदरा ने सशस्त्र सेना ध्वज दिन नु प्रतीक अर्पण करी फाळो एकठो करवानी शुरुआत करवामां आवी छे। सशस्त्र सेना ध्वज दिन ना भंडोल में एकत्रित थयेल रकम सेवारत पूर्व सैनिकों अने तेओना परिवारजनों ना कल्याण अर्थे उपयोग में लेवामां आवे छे। आम आ वर्षे पण श्रीमती शालिनी अग्रवाल आईएएस कलेक्टर अने प्रमुखश्री जिला सैनिक कल्याण वडोदरा ने सशस्त्र सेना ध्वज दिन नु प्रतीक अर्पण करी तेओना हस्तकथी आ फाळो एकठो करवानी शुभ शुरुआत करवामां आवी छे। कलेक्टर श्री तरफथी आम नागरिकों ने सशस्त्र सेना ध्वज दिन भंडोल में यथा योग्य योगदान आपवा प्रत्येक नागरिक ने अपील करवामां आवी छे। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 7 दिसंबर को हम लोग पूरा देश झंडा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1949 से ये झंडा दिवस प्रारंभ हुआ था और इस झंडा दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सिविल समाज में सेना का भरोसा कायम करना, उनके रिहैबिलिटेशन, वेलफेयर और पुनर्वास के जितने भी कार्यक्रम हैं वेलफेयर के, उनके लिए फ़ंड एकत्र करना। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि झंडा दिवस को मनाएं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर फंड का योगदान करें, जिससे कि देश पे खड़ा हुआ जवान जो वर्दी पहन के या वर्दी उतारने के बाद भी देश के लिए समर्पित रहता है, वो अपनी पूर्ण निष्ठा और बलिदानी परंपरा के तहत देश की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहे। थैंक यू।